जब सुबह उठे तो देखा बारिश लगी हुई है, फिर याद आया कि मनाली में तो स्नोफॉल होगी। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं, भानु और ड्राइवर ओपी इज बैक। हम तीनों जा रहे हैं स्नो एडवेंचर करने, कहाँ पे? लाहौल में। और हमें जाने देते हैं कि नहीं देखना पड़ेगा। 4x2 गाड़ी को कम ही जाने देते हैं। वैसे मेरा प्लान अर्ली मॉर्निंग निकलने का था, बट किसी वजह से हम लेट हो गए। और अभी यहाँ पे कुल्लू में बारिश पड़ रही है, और यहाँ से एक डेढ़ घंटे का रास्ता है सिस्सू का। तो देखते हैं गाइस आज स्नो कैसी मिलेगी। प्रेडिक्शन में तो ये है कि आगे आने वाले 2-3 दिनों में काफ़ी हैवी स्नो है। और शेफ भानु बैठी है पीछे सामान के साथ। स्नो एडवेंचर की आस में हम इस बारिश में निकल पड़े थे लाहौल की तरफ, ये उम्मीद करते हुए कि लाइव स्नोफॉल में कैंपिंग कर पाए। गाइस, स्नो एडवेंचर करने के लिए पंजाब से गाड़ियां आ चुकी हैं। मुझे लगता है लोगों ने वेदर चेक कर लिया है कि स्नो पड़ रही है। अभी फिलहाल मनाली में और सोलांग में तो लगता है कि बारिश ही है, क्योंकि टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर है। लाहौल में चेक करना पड़ेगा हमें जाने देंगे कि नहीं, और फिर वहां पे बर्फ होगी कि नहीं। बिल्कुल भी नहीं लगा कि मार्च का महीना है। बारिश की वाइब में सारी वैली रंग चुकी थी और एक फ्रेशनेस का एहसास था। बारिश में ना हमें ऐसा लग रहा है जैसे मॉनसून हो। मॉनसून का सीजन तो आता है जून के बाद, बट अभी फीलिंग वैसी ही आ रही है सेम। और ये बारिश पड़ रही है, हमें लगा था थोड़ी स्नो होगी। टेम्परेचर मार्च का महीना है तो 0 डिग्री से ऊपर ही है, इसलिए मुझे लगता है कि स्नो नहीं पड़ रही। फिलहाल हमारा रास्ता 2 घंटे का अभी भी राइट आ रहा है ना गाइस। रास्ते में ना ट्रैफिक है मुझे लगता है, तो अभी रास्ते का ना टाइम बढ़ता ही जा रहा है। हम आगे जाते जा रहे हैं, टाइम भी बढ़ता जा रहा है। पता नहीं कहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है, या फिर कुछ तो प्रॉब्लम होगी, या फिर सोलांग वैली में। हमें यही डर है कि हमें ना रोक के ना बस हो अटल टनल क्रॉस करने से, क्योंकि हमारा रियल एडवेंचर तो लाहौल में एंटर होके ही शुरू होगा गाइस। आपको पता ही है फिर स्नो कैंपिंग। अभी हम ना मनाली में पहुंच चुके हैं और हमने गाड़ी का टैंक फुल करा लिया। यहाँ पे ना बर्फ और पानी का मिक्स सा हो रहा है, बीच में पानी भी मतलब रेन भी हो रही है और स्नोफॉल भी हो रही है। और कैसा लग रहा है मानो? अलग अलग सा, कुछ समझ नहीं आ रहा स्नो का फील है या फिर बारिश का। सही बात है, रास्ता अभी भी रेड है। देखते हैं कहाँ पे ट्रैफिक है, कहाँ पे गाड़ी फंसेगी। होप सो गाड़ी निकल जाए। बहुत ही ज्यादा अभी ट्रिकी सी सिचुएशन हुई पड़ी है, बारिश और स्नो का मिक्स, और टेम्परेचर अभी 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर है। जिस चीज का इंतजार था वही हुआ, स्नोफ्लेक्स पड़ने लगे और हमारी आज की ड्राइव थ्रिल से भर गई। प्रॉपर स्नोफॉल पड़नी शुरू हो चुकी है। हम मनाली क्रॉस कर चुके हैं, जा रहे हैं सोलांग वैली की तरफ से। हमें पहुंचना है सिस्सू हेलीपैड की तरफ। चारों तरफ हैवी स्नोफ्लेक्स दिख रहे थे और नजारे ग्रीन से व्हाइट होते गए। तो गाइस जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं स्नो और तेज होती जा रही है। मजा भी आ रहा है, बट एक रिस्क भी है, एडवेंचर भी है कि गाड़ी कैसे परफॉर्म करे। मजे तो हमें आ ही रहे थे, पर सड़क की कंडीशन स्लिपरी होती जा रही थी, ऊपर से गाड़ियों का ट्रैफिक। अब तक तो ड्राइवर ओपी गाड़ी चला रहा था, पर फिर मैं खुद आया ड्राइविंग पे, क्योंकि उसे स्नो में ड्राइव करने का एक्सपीरियंस नहीं था। हमें अब लगने लगा कि सोलांग वैली भी पहुंच पाएंगे या नहीं, क्योंकि स्नो की स्पीड काफी तेज हो चुकी थी और ट्रैफिक में गाड़ियों के बजने का डर भी। फाइनली वही हुआ जिसकी जरूरत थी। ट्रैफिक ज्यादा था, गाड़ी का मोमेंटम टूटा और हमें जरूरत पड़ी स्नो चेन्स की, जिसके बिना हम यहाँ आने का रिस्क कभी ना लेते। गाड़ी ऐसे पॉइंट पे खड़ी थी जहां से हमें काफी मुश्किल हुई स्नो चेन्स डालने में, और वहां ट्रैफिक भी हर मिनट चलता ही जा रहा था। कई गाड़ियां स्किड कर रही थी, पर हमें कॉन्फिडेंस था कि एक बार चेन्स डल गई फिर चाहे इसे कहीं भी ले जाएं। इन चेन्स को इंस्टॉल करना इजी तो है, पर पड़ती स्नो में चीजें थोड़ी अनमैनेजेबल हो जाती हैं। अब इंतजार इस वक्त का था, जैसे ही स्नो चेन्स लगती हैं तो हम ये चेक करें कि गाड़ी की ग्रिप कैसे बनती है। ओए।
जय बजरंगबली। गाड़ियां वापस आ रही हैं। वापस आ रही हैं? वो देखो यूपी नंबर अपने पीछे नहीं गई थी। तो गाइस जैसे कि आपने देखा बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे, गाड़ियां स्लिप कर रही है, हमने चेन इंस्टॉल करी है जल्दी जल्दी स्नो में, हमारी गाड़ी भी ठुकती ठुकती बची है, मतलब कोई और ठोक रहा था, हम तो खड़े थे, बट अभी गाड़ियां ये वापस मोड़ रहे हैं पुलिस वाले, लगता है वापस जाना पड़ेगा, देखते हैं गाइस क्या होता है। बाहर इतनी ज्यादा स्नो है ना और गाड़ी भी इतनी सारी फंसी हुई है, ऊपर से आगे एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से इतना ट्रैफिक है और हम कम से कम एक घंटे से यहाँ पे खड़े हैं, चेन चढ़ाई है वो सब कुछ किया, पर एकदम से लोग हटते हैं, जगह देते हैं और साइड से ऐसे अल्ट हो जाते हैं पूरी स्पीड में। अब तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया हम में, ट्रैफिक तो बहुत बढ़ चुका था, गाड़ियों का चलना मुश्किल होता जा रहा था, हम बिल्कुल टेंशन फ्री अंदर बैठ के स्नो के मजे लेते रहे। ये वो लोग थे जो सोलांग से वापस आ रहे थे और रोड इतना स्लिपरी था कि लॉर्ड ऑल्टो के अलावा कोई भी नॉर्मल गाड़ी का चलना मुश्किल था। इतना एडवेंचर हो रहा है, इतनी बकाई भी हो रही है, फिर भी ना हम हमारे मुंह पे स्माइल है और हम पैकेट्स खा रहे हैं क्योंकि यार बहुत ज्यादा भूख लगी, सुबह 12 बजे ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था, अभी कैंपिंग लोकेशन पे जाके ब्रेकफास्ट बनाना था, उससे पहले ये अड़ी अड़ी होगी हमारी, देख लो हम अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और हमारा ये पता नहीं कि यहाँ से निकलेंगे कि नहीं, वापस जाएंगे आगे जाएंगे, बट इतनी सिक्योरिटी जरूर है कि स्नो चेन के साथ ना कहीं गाड़ी स्लिप नहीं होगी और ब्रेक भी लग रही है अभी तो, बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा ही जाए सब कुछ। हमेशा की तरह हमें यही उम्मीद थी कि हम जिस चीज़ के लिए आए हैं वो पूरी करके ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो, तो ट्रैफिक में चलते हुए भी हमारी नज़र किसी कैंपिंग लोकेशन की तरफ थी। तो गाइस फाइनली सोलांग वैली में एंटर करने जा रहे हैं, इतना एडवेंचर हुआ ना मैं क्या ही बताऊं आपको, ये तो भानु और रोबी से ही पूछो आप, मैं नहीं बताऊंगा। तो भाई शायद हमें सोलांग से आगे ना जाने दे, बट फिर भी हम जहाँ तक गाड़ी जाने देंगे वहां तक ट्राई करेंगे जाने का। रोबी ने पहली बार व्हाइट स्नो देखी है, आगे इसने पिंक स्नो देखी थी। इन सब चीज़ों में एक चीज़ हमने नोटिस करी, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट, जो कि स्नो पड़ने की खुशी थी, जो टूरिस्ट इतनी दूर से आए थे इसी ख्वाहिश में। आज सारा दिन हम ट्रैफिक में ही फंसे रहे, काफी परेशान, पर एक चीज तो थी कि यहाँ तक आ भी हम चेन्स की बदौलत ही पाए, स्नो चेन्स ने अभी तक तो अपनी वैल्यू वर्थ करी है। तो गाइस अभी वापस मनाली की तरफ जा रहे हैं, रीजन बड़ा सिंपल है, आगे आर्मी वाले खड़े थे और पुलिस वाले भी खड़े थे और उन्होंने मना कर दिया साफ साफ जाने के लिए, कुछ भी रीजन हो, सिर्फ अगर हमने होटल बुक किया हुआ होता तो ही हम जा सकते थे, वो भी रिस्की था, वो भी कंफर्म नहीं था। ये आइडिया मेरे मन में पहले आया था बट मैंने सोचा कि क्यों ऐसी होटल वगैरह बुक करना, क्योंकि हमारा जो एम वो कैंपिंग करने का था, मुझे ये था कि मैं सोलांग की पार्किंग में लगा सकता हूँ, बट सोलांग वैली तक जाने ही नहीं दे रहेगा, इस पीछे से मोड़ दिया, बहुत बुरा हुआ, बट देखते हैं अभी क्या सीन बनता है, हमें हालातों के हिसाब से चलना पड़ेगा, सिचुएशन के हिसाब से, तो क्योंकि वो भी हमारी सेफ्टी के लिए खड़े हैं तो वो भी अपनी तरफ से वो सही है। गाइज अभी हम कोई लोकेशन देखते हैं, अगर लोकेशन मिल गई वैसे उसके कम चांसेस है क्योंकि सोलांग वैली से पहले कोई लोकेशन है नहीं है, तो शायद हमें आज वापस जाना पड़े, पर देखते हैं क्या करेंगे, कुकिंग तो करेंगे कहीं ना कहीं।
फाइनली नीचे की तरफ जा रहे हैं, आपको पता है हमें भूत बोल हमें भूख बहुत लगी है, तो अभी इस अंधेरे में तो कुकिंग नहीं करेंगे, कहीं मॉल रोड वगैरह चलते हैं फिर देखते हैं क्या बनता है। हमारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी और ना ही मनाली तक कोई जगह हमें लगी जहां हम कुक कर पाएं, क्योंकि ये सब कमर्शलाइज हो चुका है। मनाली भी शिमला की तरह भर चुका है बिल्डिंग से। फाइनली मनाली में वापस आते हुए हमने स्नो चेन उतार दी, को साहब आ गए को ड्राइवर सीट पे और ड्राइवर ओपी ड्राइवर सीट पे, और अभी हम मस्ती मार रहे हैं क्योंकि टेंशन फ्री हो चुकी है ना, थोड़ा टेंशन थी पहले के स्नो चेन थी वो सब हो रहा था, अपना ब्लैक आइस स्लिपरी रोड जो भी, मनाली में बर्फ नहीं है क्योंकि मनाली में टेम्परेचर राइज हो चुके हैं जीरो से ऊपर, इसलिए यहाँ पे बारिश पड़ रही है। हम सोच रहे हैं सुबह का हमने कुछ नहीं खाया गाइस और बच चुके हैं साथ, देख लो हम भूखे ही व्लॉगिंग कर रहे थे, लाइक कर दो वीडियो को अभी। और अभी हम जा रहे हैं मॉल रोड, मॉल रोड में हम कुछ खाएंगे अच्छा सा, फिर हम वापस जाएंगे अपने घर पे। कोसा गाड़ी के अभी खाई में कुदवा देते गाइस, मार्जिन पूरा बुरा ही है पर कोई बात नहीं, हमें ट्रैफिक नहीं करना यहाँ पे गाइस। हमारा प्लान पता है क्या है, हमें जाना है मॉल रोड खाने के लिए और मस्ती मारने के लिए, इसलिए वो व्लॉग अभी यहाँ पे एंड नहीं हो रहा, व्लॉग अभी और चलेगा। मनाली मॉल रोड अपने आप एक माहौल वाली जगह है जहाँ आपको हर तरीके का खाना कपड़े और रौनक देखने को मिल जाती है, इसलिए हम गाड़ी पार्क करके निकल गए रात को जगमगाती हुई मॉल रोड देखने के लिए। गाइस ये बता नहीं दी कहाँ पे खाना खाना है, मैंने तो बता दिया शेरे पंजाब। चलिए सुबह का कुछ खाया नहीं था तो हमें लगी जोरों से भूख, तो इंडियन से बेहतर और क्या ही होता, और एंजॉय किया अपना आज का डिनर। चीयर्स भाई साहब। चीयर्स भाई साहब। चीयर्स भाई साहब। खाना खा चुके हैं, अभी स्वीडिश खाने का टाइम है। टेस्ट करो। मैं तो नहीं खा रही गाइस, मैं डाइटिंग पे हूं। तो ये पिएगी गाइस। ऐसे ऐसे डाइट खत्म होती है गाइस। मैं अपने भाई को ना बुरा फील नहीं कराना चाहती गाइस, मैं तो करना चाह रहा हूं, मैं मान नहीं रही। और ये मेरी हेल्दी फ्रूट क्रीम। इस ठंडे मौसम में कॉफी की इच्छा हुई तो मैंने और भानु ने पी चॉकलेट कॉफी, जिसके बाद हम बढ़ लिए अपनी गाड़ी की ओर। तो गाइस फाइनली मॉल रोड से हमने डिनर किया और कॉफ़ी पी और बड़े मज़े किए, और ड्राइवर ओपी से पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस है पहली बार स्नो देखने का। बस पहली बार के हिसाब से तो खतरनाक था कुछ ज़्यादा ही, बट फिर भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाते हैं। और पीछे शेफ बानु बैठी है, अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे हमारा स्टे है, और देखते हैं गाइस अगर आपको आज का एडवेंचर पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।